फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी कॉन्फिडेंट। मैं हूं स्मिता अग्रवाल। ये है वेगा का 3-in-1 फेशियल क्लेंजर। ये आता है 3 डिटैचेबल हेड्स के साथ। तो हम सबसे पहले इस बॉक्स को ओपन करके देखते हैं कि इसके साथ क्या क्या अटैचमेंट्स आती हैं। ये आता है इस तरह के एक प्लास्टिक केस में। इस तरह से प्रेस करके आपको ओपन करना है। ये है वेगा का फेशियल क्लेंजर। इसका ये प्लास्टिक केस बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर आपको कहीं बाहर जाना है और आपको कैरी करना है तो उसके लिए ये बहुत यूजफुल है। इसके साथ आपको मिलेगा एक यूजर मैनुअल, एक ये हैंग करने के लिए लेस और एक ये यूएसबी केबल। तो ये यूएसबी केबल, इसकी लेंथ ऑफ द वायर काफी अच्छी है। आप इसे कुछ इस तरह से यहाँ पर अटैच करके इसे आप चार्ज कर सकते हैं। तो ये है 3 अटैचमेंट्स जो इसके साथ आपको मिलती हैं। एक है ये और ये हैं बाकी की 2 अटैचमेंट्स। इस पर जो फीचर्स मेंशन्ड हैं वो एक बार मैं रीड करती हूँ। ये आता है 3 डिटैचेबल हेड्स के साथ, 360 डिग्री रोटेटिंग हेड्स हैं ये। इनका चार्जिंग टाइम है 3 आवर्स का। ऑपरेशन टाइम आपको मिलता है अप टू 2 आवर्स। मतलब आप इसको 3 आवर्स चार्ज करने के बाद आप इसको 2 आवर्स तक यूज कर सकते हो। एक्चुअली जब हम इसे यूज करेंगे तो हम 15-20 मिनट से ज्यादा एक बार में हम इसे यूज नहीं करेंगे। इट मीन्स आप इसको 6-8 टाइम्स एक बार चार्ज करने के बाद इजिली यूज कर सकते हैं। फिर ये वाटर रेजिस्टेंट है और ये जो हेड्स हैं इनका बोथ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। जब आप इसको सिंगल प्रेस करेंगे तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, सेकेंड टाइम प्रेस करने पर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और थर्ड प्रेस पर ये स्टॉप हो जाएगा। एक्चुअली हम जो फेस को मसाज देते हैं वो हमेशा आउटवर्ड मोशन में देनी चाहिए। तो जब आपको राइट साइड ऑफ द फेस मसाज देनी है तो आप इसका क्लॉकवाइज रोटेशन वाला मोशन यूज करेंगे, और जब आपको लेफ्ट साइड ऑफ द फेस मसाज देनी है तो हम इसका एंटी क्लॉकवाइज मोशन यूज करेंगे। तो सबसे अच्छी चीज इसकी ये है कि ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है। इसका ये प्लास्टिक केस ट्रैवल फ्रेंडली है। तो इसके कौन कौन से हेड्स आते हैं देखते हैं। तो ये सबसे पहला हेड है ये इस तरह से डिटैच हो जाते हैं, और इवन आप इसको भी डिटैच करके यूज करने के बाद आप इसे वॉश करके अटैच करके इसे यूज कर सकते हैं इस तरह से। तो जो सबसे पहला वाला है जो कि इसके साथ अटैच्ड है इस समय, ये वाला, ये है सिलिकॉन क्लेंजिंग ब्रश। इस पर मेंशन्ड इट इज फॉर सेंसिटिव स्किन। ये काफी सॉफ्ट है, आप इसको क्लेंजिंग के लिए या फिर स्क्रबिंग के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। जो सेकंड वाला अटैचमेंट है ये है सॉफ्ट पीबीटी ब्रश, क्लीनिंग एंड क्लियरिंग ब्रश फॉर ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन। तो जो पीबीटी मटेरियल होता है वो एक्चुअली नाइलॉन का ही सब्स्टिट्यूट होता है। तो ये भी बेसिकली क्लेंजिंग के लिए और एक्सफोलिएशन के लिए यूजफुल है। ये काफी सॉफ्ट और डेंस ब्रिसल्स हैं इसके। ये थर्ड अटैचमेंट है लेटेक्स स्पंज, स्किन रिफ्रेशिंग ब्रश फॉर एक्सफोलिएशन। तो ये काफी सॉफ्ट स्पंज है। अगर आप घर पर फेशियल कर रहे हैं तो आप इसको मसाज करने के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर आप इससे अपना फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हैं। और मुझे इसकी सबसे अच्छी चीज लगती है कि ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है। दूसरा ये कि इसका मोशन जो है ब्रशेस का बहुत ही रेगुलेटेड मोशन है, ना ही ये बहुत ज्यादा फास्ट मूव करता है ना ही बहुत स्लो है। तो एक्चुअली ये स्किन पर बिल्कुल भी हार्श नहीं लगता। तो चलिए मैं आपको इसका एक डेमो देती हूँ। मैं यूज करूंगी एक फेशियल किट और हम इसे यूज करके फेशियल करके देखेंगे। मैं यहाँ फेशियल के लिए यूज कर रही हूँ एमवे की फेशियल किट। ये है एक फ्रूट फेशियल किट और ये है सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। तो फर्स्ट स्टेप है फेस वॉश। तो मैंने अपना फेस वेट कर लिया है, आप देख सकते हैं मैंने 1 टाइम प्रेस किया है तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। एक बार और इसको प्रेस करके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हुए लेफ्ट साइड ऑफ द फेस पर यूज करूंगी। तो मैं फेस वॉश करके आती हूँ। तब स्टेप 2 जो कि है फेस स्क्रब। तो मैं इसके लिए ये वाला अटैचमेंट जो कि है सिलिकॉन ब्रश, इसको यूज करूंगी। अब मैं वेट फेस पर स्क्रब अप्लाई करूंगी।
ये है फेस स्क्रब एनरिच्ड विथ 5 फ्रूट्स। वैसे तो इसके ब्रिसल्स काफी सॉफ्ट हैं, पर इसको यूज करके आप 1 मिनट से ज्यादा स्क्रबिंग मत करिए, क्योंकि ये ओवर एक्सफोलिएट कर सकता है, आपको ब्रेकआउट्स हो सकते हैं, और अगर आप 2 से 3 मिनट कर लेंगे तो हो सकता है आपकी स्किन भी पील ऑफ हो जाए। अब मैं इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ। तो हमने कर लिया स्टेप 2 स्क्रबिंग। अब स्टेप 3 जो की है मसाज, तो ये है इसकी मसाज क्रीम, और मसाज के लिए मैं यूज करूंगी इसका 3rd अटैचमेंट। मैंने स्पंज को वेट कर लिया है और अब मैं इससे मसाज स्टार्ट करूंगी। अब मैं सिंगल प्रेस के साथ इसको राइट साइड ऑफ द फेस मसाज दूंगी। स्पंज काफी सॉफ्ट है, आप इसे अंडर आई एरिया में भी यूज कर सकते हैं इजीली। मैं एक बार और थोड़ी सी क्रीम लेकर अप्लाई करूंगी। आप देख सकते हैं क्रीम कितनी अच्छी तरह से स्किन में अब्सॉर्ब हो रही है। आप देख सकते हैं क्रीम स्किन में अच्छी तरह से अब्सॉर्ब हो गई है। ये चाहे कितना भी सॉफ्ट हो, आप इसे 4 से 5 मिनट से ज्यादा की मसाज इसको यूज करके मत दीजिए। इस स्टेप के बाद मैं अपना फेस वॉश नहीं करूंगी। तो अब हम लगाते हैं फेस मास्क जो कि है स्टेप 4। मैं इसे 15 से 20 मिनट तक लगाकर रखूंगी। अब ये ड्राई हो चुका है, तो मैंने फेस वॉश कर लिया है। काफी स्मूथ और सॉफ्ट हो गया इसको यूज करने के बाद। तो मेरी तरफ से इस प्रोडक्ट के लिए एक बिग थम्स अप। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन काम आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।